नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 16 अक्टूबर को वसई में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता श्रीपद नाइक का दौरा हुआ। दरअसल मौका था पिछले कई सालों से लगातार मनाया जा रहा दीपावली एवं ओणम महोत्सव का। आपको बता दें कि सन 2020 और 21 में कोरोना के चलते दीपावली और ओणम महोत्सव नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल 2022 में बड़े ही धूमधाम से दीपावली और ओणम महोत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम वसई भाजपा मंडल एवं प्रतीक्षा फाउंडेशन दोनों के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार वसई भाजपा के वसई विरार जिला महामंत्री थे उत्तम कुमार। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने यह कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम वसई के साईनगर मैदान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री थे, जो मैंने पहले बताया, श्रीपद नाइक। तो वहीं उनके साथ में केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़ी डॉक्टर हिना भट्ट थी। उसके साथ महाराष्ट्र में मंत्री का दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति समिति के अध्यक्ष विवेक पंडित थे। साथ ही साथ पूर्व विधायक हेमेंद्र पाटिल, उसके अलावा वसई विरार भाजपा जिला अध्यक्ष राजन नाइक और भी कामगार नेता अभिजीत राणे, इस तरह से कई मान्यवर वहां उपस्थित मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ढोल ताशों से अतिथियों का स्वागत किया गया। मंच पर अतिथियों को शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किए गए। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रतिष्ठा फाउंडेशन और वसई भाजपा मंडल की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने वसई अंतर्गत पर्यटन को किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए और उसके लिए केंद्र सरकार किस तरह से इसके ऊपर ध्यान देगी, उसको लेकर अपने वक्तव्य में रोशनी डाली। आगे वीडियो में देखिए इस कार्यक्रम की झलकियां और सुनिए जो अतिथि इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे उनके विचार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी, और कश्मीर से हर बार हर साल वसई में कार्यक्रम के लिए आते कादिर बोर्ड का वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट और हेमेंद्र भाई मेहता, विवेक भाव पंडित, श्याम पारकर और के रामन बिरला के बारे में मैं दो शब्द आपको जरूर कहूँगा। जनसंघ टाइम पर वो केरला प्रदेश का संगठन मंत्री था, दो बार केरला प्रदेश का अध्यक्ष था और आज भी उनका हाथ में जो मोबाइल है वो सादा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मतलब व्हाट्सअप नहीं कर सकते उनको। और मैं फ्लाइट टिकट उनको दिया था, वो मुझे चिल्लाया काय के लिए खर्चा करते, मैं ट्रेन में आता था, वसई में उतर के कार्यक्रम में आता था। इनका जैसा, रामबिरला जैसा लोगों का मेहनत है आज बीजेपी का सरकार सेंट्रल में और महाराष्ट्र में। खास करके उनको इसलिए मैं बुलाया क्योंकि हर बार क्या होता है, नया जो जनरेशन रहता है वो जूना लोगों को भूल जाते हैं। जिन्होंने पसीना बहाया, और कल एक स्टोरी बोल रहा था, एक जगह से एक जगह जाने के लिए 20 किलोमीटर था, बस का पैसा उनका पास नहीं था, तो 20 किलोमीटर चल के वो जगह तक पहुंचा करके, और उधर जाके उधर से जो कार्यकर्ता रहेगा उनका घर से खाना खाके उधर से जो बस का फेयर लेके आगे तक जाते, ऐसा हजारों लोग वसई में भी था। ठाणे जिले का अरविंद पनसे करके जिला का संगठन मंत्री, मैंने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन ऐसा हजारों लोगों ने पसीना बहाया और उनका जिंदगी बाजू में रख के संगठन के लिए काम किया, तभी भारतीय जनता पार्टी आज ये स्थिति में आया। ये नया लोग बुलो मत कभी, अपन आज सब सुविधा है, अपना पास सब सुविधा है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, आजकल संपर्क भी कम हो गया, व्हाट्सएप पे बोलते नहीं तो कॉल कर देते, जिनका जो गृह संपर्क होता था पहले वो भी आजकल कम होते जा रहे हैं। उतना अपना संगठन आपको इधर एक दिन प्रवास करेगा ना, आपको नहीं आपको लगेगा ये कोई गांव खड़ा है करके, इधर कोई अच्छा रास्ता नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, मतलब पैसा का कमी नहीं है,
और केंद्र सरकार का निधि आते तो भी इधर का जो जो माफिया लोग इधर जो सरकार कर चलाते हैं उनका ही नगर पालिका में भी शासन आमदार भी हुई है तो उन लोग ना पब्लिक तक पहुंचना नहीं देते। अभी आयुष्मान कार्ड का मैं उदाहरण देता हूँ, पब्लिक भी सुनना चाहिए। 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम है, मुझे लगता है 3 साल पहले से महापालिका में उसका लिस्ट पड़ा है, जो एलिजिबल लोगों का लिस्ट पड़ा है वो दबा के रखा है। क्यों वो देगा तो मोदी जी का नाम होगा, बीजेपी का नाम होगा, इसके लिए दबा के रखा है। तो अभी ये जो 800 करोड़ का मैं बोला वो भी इन लोग दबाने का कोशिश करेगा, इधर इनका ही दादागिरी चलने देते वो कोई मतलब ये जो बिल्डिंग माफिया, ये जो भू माफिया, चाल माफिया, सब माफिया से भरा हुआ वसई है। तो इधर अगर वसई को इनसे मुक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में इधर एक युवा पीढ़ी उभार रहना पड़ेगा, उसका सिवा ये काम नहीं होएगा। इसके लिए मैं सभी से विनती करता हूँ, अगर आप इधर डेवलपमेंट चाहते, विकास चाहते, पूरा देश विकास की ओर चलते मोदी जी का नेतृत्व में, इधर अभी भी विकास तो 25 साल पीछे है वसई, 25 साल पीछे। और इनका अभी जन्मदिन में क्या डायलॉग बोलता था, विकास पुरुष है भाऊ, विकास पुरुष है, वो अर्थ क्या होते हैं कलयुग में क्या क्या बोलते हैं, ऐसा लोगों को विकास पुरुष बोलते हैं। विकास क्या होता है देखना, तो न्यू बॉम्बे जाओ, ठाणा जाओ, मुंबई में जाओ, जिधर अपना सरकार है उधर यूपी जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, देखो विकास क्या होता है। नहीं तो इधर यूपी बिहार का लोग बैठा होता है उनका गाँव में पूछो कैसे उधर डेवलपमेंट होते हैं, घर घर पानी बिजली जो सुविधा नागरिक को जो डे टू डे जो सुविधा चाहिए उधर मिलते हैं, वसई विरार में नहीं मिलते, बाकी जगह मुझे मालूम नहीं महाराष्ट्र का। जो वसई का मैं स्थिति बोलता हूँ, अब ये अलमास खान डॉक्टर बैठा है, इधर का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का चीफ है वो, उनका आपका पास कभी एक बार भी एमएलए आया उधर हॉस्पिटल में, कभी नहीं आया। अरे उनका कुछ पड़ी नहीं, कोविड है कुछ भी होने दो, वो उसका मस्ती में मजा में रहता है, और बाकी जो भाव जैसा लोग है नहीं तो अपना जैसा बीजेपी का कार्यकर्ता है दिन रात काम करते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं एक्चुअली आपसे सबके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो जिला है ये इनका पालक करके अपना विश्वेश्वर तुडू करके आदिवासी राज्य मंत्री को दिया है, हम लोग मांगते तो ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ आप इधर आ जाइए, बस जो पालघर जिला का जो प्रभारी करके जो अभी केंद्र से जो स्कीम आया ना तो उसमें आप जैसा लोग आएगा तो जो गोवा नजीक में है तो आपका भी प्रवास भी बार बार हो जाएगा और इधर विकास का और आगे अपना अच्छा काम चलेगा। मैं ये जो बोलने के लिए इधर खड़ा था और मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।